स्वीकार करना चाहिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से। तो कल जो ईवीएम के माध्यम से जनादेश मिला है, ईवीएम आदेश, वो भी हम लोकतंत्र का आदेश मानकर स्वीकार करते हैं, चाहे ईवीएम पे विश्वास हो या न हो। लोग तो आश्चर्य और आज भी सदमे में है कल के रिजल्ट के बाद भी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन ईवीएम का जनादेश है। दूसरी बात, मिजोरम का आज आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है, अगर जीता है तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, जीते हैं तो, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो चाहे नड्डा जी हो। तेलंगाना का भी निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां भी मोदी जी गए थे, वहां भी अमित शाह ने डेरा डाला था, वहां नड्डा साहब भी गए थे, पूरी बीजेपी वहां भी उतरी थी, फिर भी बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिली है। और वहां राहुल गांधी ने तेलंगाना में बहुत जोर से प्रचार किया था और राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जीत हुई है, उनका भी अभिनंदन करता हूं। अब आपका जो सवाल है, किसका डोमिनेंस बड़ा है, किसका एरोगेंस बड़ा है, किसके बारे में पावर बड़ी है, वो हमारा प्रश्न नहीं है। कल के निर्णय और निकाल के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ी रही। 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के घर पे है। मैं इतना कह सकता हूं कि महाराष्ट्र से शिवसेना पक्ष प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी उस बैठक में शामिल होंगे, दिल्ली में बातचीत होगी जो करनी है। इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है ये 5 राज्यों के बारे में, खास करके जब बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसी अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया गया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन जरूर कुछ अच्छा फायदा हो सकता था। अब महाराष्ट्र में क्या होगा, जो शिवसेना के बारे में हुआ था 2014 में, जब मोदी जी की लहर आई और शिवसेना के साथ अलायंस तोड़, आपको याद होगा 2014 में विधानसभा में। अब वापस एक लहर दिख रहे बीजेपी को, तो मुझे चिंता है जो ये सरकार में आप बीजेपी के साथ बैठे हैं, चाहे हमारा जो टूटा हुआ बेईमान लोगों का गठ हो या राष्ट्रवादी हो, उनका क्या होगा, आपका क्या होगा कालिया, ये सवाल पूछते रहेंगे वो। तो अभी देखेंगे, वो झेल लेंगे जो करना है। लेकिन कांग्रेस के साथ हमारे रिश्ते जैसे है वैसे रहेंगे, बातचीत चल रही है महाराष्ट्र लेवल पे, हम दिल्ली में भी बातचीत करेंगे और सब मिलकर महाराष्ट्र का सीट शेयरिंग हम बहुत आसानी से कर देंगे। सर, तो सामना में आपने लिखा है जीत मोदी की, लेकिन असली हकदार कौन है? बहुत सी बातें हैं, जब बीजेपी को कोई जीत या कोई प्रतिष्ठा या कोई यश मिलता है तो उनकी परंपरा है कि मोदी जी की जीत है, मोदी जी की विजन की जीत है। हम भी कहेंगे अगर मोदी है तो बीजेपी है आज की, नहीं तो क्या है बीजेपी? मोदी माइनस बीजेपी क्या है, मुझे बताइए। किसको छोड़ा ही नहीं है ना, सबको खत्म कर दिया। तो आज मोदी है तो मोदी रहेगा। अगर राहुल गांधी जीत जाते तो गांधी होता ना। अगर 4 राज्यों के नतीजे कांग्रेस के फेवर में आते तो गांधी हो जाता, चाहे प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी हो। ये तो